हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो साथियों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर एस अग्रवाल का, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो अनुपात और समानुपात है। ठीक है, काफी लंबा चैप्टर है जिसमें कि लगभग 151 क्वेश्चंस के आसपास हैं। ठीक है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटा छोटा वीडियो और 10-10, 11-11, 15-15 क्वेश्चंस के वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना, जिससे कि क्या हो, आपको सारे क्वेश्चन तक आपकी पकड़ पहुंचे और आप वीडियो को पूरा देख सकें। ठीक है ना, और वीडियो को देखते समय आप बोर नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए चलते हैं, आज स्टार्ट करेंगे 126 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि हमने जो पिछले वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया है वो 125 क्वेश्चन तक हमने वहां पे देख लिया है। आज हम देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन के साथ। इसलिए कहता हूं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन से अपने ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कंपटीशन है नहीं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन बहुत आसान है तो है आसान, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उनसे आगे निकलना पड़ेगा जो रोजाना मेहनत करते हैं। ठीक है, अगर आप एक दिन मेहनत छोड़ते हो और वो बंदा उस दिन मेहनत करता है तो आप उससे पीछे जाते हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप कंटिन्यू क्या करिए, अपने अंदर क्या करिए, प्रिपरेशन को बढ़ाते जाइए जिससे कि कंपटीशन में आपको फायदा हो सके। चलिए देखते हैं आज का 126 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे का पूरा नंबर पा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट पता है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पूरा में पूरा क्वेश्चन करने का यहाँ पे मौका मिलता है मैथ और रीजनिंग के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपना। 126 नंबर जो कह रहा है ना कि तीन कार द्वारा एक संबंधित दो संबंधित तीन के अनुपात में दूरी तय की गई है। दूरी तय की गई है, ठीक है ना, एक कार द्वारा। देखिए जरा यहाँ पे जो कार है ना, जो कार है वो जो दूरी तय कर रही है वो कितने के अनुपात में है, एक संबंधित दो संबंधित तीन के अनुपात में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, यदि यात्रा के समय का अनुपात अगर कितना हो, तीन संबंधित दो संबंधित एक हो, यानी जो उसमें समय लग रहा है ना, इसको दूरी तय करने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो वो आपका लग रहा है कितना, तो तीन संबंधे दो संबंधे एक, तीन संबंधे दो संबंधे एक का। बात समझ में, ये समय लग रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि चाल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है, तो चाल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। अभी कैसे करेंगे इसको, जरा देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब तरीके से लगेगा। आपको एक चीज पता है कि चाल बराबर होती क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी और बटे में क्या होता है, समय होता है। ये चीज सभी को पता होगा, ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। हमें तो क्या है, कार की जो दूरियां पता है ना, ये समय इसके लिए। देखिए अगर कार क्या है, अगर कार एक किलोमीटर चलती है तो उसमें क्या लगता है, तीन घंटे का समय लगता है। अगर कार क्या दो किलोमीटर चलती है, दो घंटे का समय, तीन किलोमीटर चलती तो एक घंटे का समय लग रहा है। इसी प्रकार ने दिया गया है, तो चाल क्या होगा, तो चाल हो जाएगा जो आपका, वो होगा कि दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो जो चाल का अनुपात होगा दूरी, ठीक है, बटा में समय, ठीक है, दूरी बटा में समय, और ये दूरी, ठीक है, बटा में समय। बात समझ में आई, समय बात समझ में आई ना। अब देखिए क्या है, ये तो कट ही जाएंगे यहाँ से, और आप करिएगा तो एक बटा में तीन संबंध है, एक संबंध है, इसको तीन ही लिख सकते हैं आप। चूंकि क्या है कि फैक्टर को हटाने के लिए तीन से हम क्या कर देंगे, पूरे इक्वेशन में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो तीन से जब गुणा करिएगा तो ये आ जाएगा तीन से लिख के नौ, तीन एकम तीन, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होगा, ये संबंध है, तीन कट जाएगा तो बचेगा एक, और यही हो जाएगा आपका टोटल चाल का अनुपात। बात समझ में आई, बहुत ही आसान तरीका है, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन सा अपना अगला क्वेश्चन है। तो 127 नंबर है, और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि जितने समय में एक खरगोश, अब देखिए खरगोश वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत आसान था, इसमें टॉपिक हम लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी वगैरह में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एसएससी में भी मिल जाता है। देखिए क्या है ना, जितने समय में एक खरगोश पांच छलांग लगाता है, उतनी ही देर में एक कुत्ता तीन छलांग लगाता है, ठीक है ना, कुत्ता, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर कुत्ता क्या हो रहा है ना, डॉग तीन छलांग लगा रहा है, उतनी ही देर में क्या कर रहा है ना, कि जो यहाँ पे खरगोश है वो पांच छलांग लगा दे रहा है, ठीक है ना, खरगोश रैबिट, ठीक है ना। बात समझ आई है, ये क्या कर रहा है कि पांच छलांग लगा दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे,
अब कह रहा है ना, अब देखिए आगे जो देखेंगे इसमें, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की तीन छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। कुत्ते की एक छलांग, ठीक है ना, यानी कि डॉग की एक छलांग में तय की गई दूरी, और ये क्या है, तीन है, खरगोश की तीन छलांग में तय की गई दूरी के क्या है, बराबर। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए जरा यहाँ पे ये क्या लगा ऊपर, ये समय है और ये आपका दूरी दिखा रहा है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है, दूरी, हाँ ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे बहुत ही लाजवाब और आसान तरीके से सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपसे कह रहा है ना कि जितने समय में एक खरगोश पांच छलांगे लगाता है, ठीक है, समय की बात कर रहा है यहाँ पे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आप अनुपात निकालेंगे तो डी संबंध जब आर निकलेगा आपका, कितने का अनुपात निकल के आ रहा है, ये निकल के आएगा आपका पांच संबंधे तीन। बात समझ में आई। उसी प्रकार क्या होगा, उसी प्रकार आप इसको अगर निकालेंगे डी संबंधे आर अगर, तो कितना निकल के आएगा, तो आएगा आपका तीन संबंधे एक। ये सारी चीजें मैंने पीछे आपको बता रखा है कैसे निकालना है, ठीक है ना। आप देखिए क्या है, आपको पता चल गया ये समय, ठीक है ना, और ये आपको पता चल गया दूरी। बात समझ में आ रही है, समय और दूरी पता चल गया। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है ना कि कुत्ते व खरगोश की चाल का अनुपात, ठीक है ना, कुत्ते और खरगोश के चाल का अनुपात क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी तो ये है ना, तो तीन बटा में क्या होगा, पांच, ठीक है, संबंध है क्या हो जाएगा, एक बटा में तीन हो जाएगा। लेकिन जरा एक बात बताइए, ठीक, फैक्टर को हटाने के लिए इसके एलसीएम से हम गुणा करेंगे, तीन पचे पंद्रह से, ठीक है, पंद्रह जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, पांच तिहाई पंद्रह, ठीक है, तीन से बारह घटेगा और तीन पे लिख के नौ हो जाएगा, तीन से घटाएंगे तीन पचे पंद्रह हो जाएगा, और यही क्या होगा, इनके चाल का अनुपात होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से क्या करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, जितना देखने उसको भारी बना दिया, कुत्ता बिल्ली का छलांग लगा दे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 128 नंबर देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात जो है चार संबंधे पांच है, ठीक है, प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात चार संबंधे पांच है, ठीक है ना, प्राप्तांक है इनके, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात जो है वो तीन संबंधे दो है, विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात तीन संबंधे दो है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा, यानी कि इसका और इसके अनुपात क्या होंगे, ठीक है ना, प्राप्तांकों का। तो ये निकालने के लिए, यानी कि P संबंध है यश निकालने के लिए, आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि P का यहां से उठा लीजिएगा मान और यश का यहां से उठा के उसको दिखाइएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बार बार बोलता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको इनको क्या करना पड़ेगा, एक ही साथ सबका निकालना पड़ेगा एक राशि में, ठीक है। जब एक राशि में आप सबका अनुपात निकाल लेंगे तो कैसे होगा, पी के सामने की पी की वैल्यू और वी के सामने की वी की वैल्यू, ठीक है ना, वी के सामने वी की वैल्यू और क्या है यश के सामने यश की वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा आपका दो। अब क्या होगा, खाली स्थान भरेंगे पांच, ये भरेंगे तीन, गुणा हो जाएगा पांच दुना के दस, पांच के पंद्रह और तीन चौके बारह, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पे कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा क्या किसी से, मुझे तो नहीं लग रहा है कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। अब जरा एक बात बताइए कि जो प्रवीण है आपका और जो आपका ये सुरेश है, ये क्या हो जाएंगे, यानी कि प्रवीण संबंधे सुरेश बराबर बारह संबंधे दस, ठीक है, दो छके बारह, दो पचे दस, यानी कि छह संबंधे पांच का अनुपात इनके बीच में आएगा। तो जल्दी से आप क्या करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, चलिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैथ को बहुत ज्यादा आपको हार्डली नहीं लेके चलना है और ये आसानी से आपको सारे में सारा क्वेश्चन करके आना है आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर जो आज के क्वेश्चन बन रहे हैं, आज जो सबसे आसान हम परीक्षा मानते हैं ग्रुप डी का, उसमें भी मैथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, जिसमें अच्छे अच्छे पढ़े जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनका भी दिमाग उड़ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन को, सारा कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करना है और आपको एग्जाम टाइम के अंदर सारे बुक को एक बार खत्म करके उसको रिविजन पे लग जाना है, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 129 नंबर, ठीक है ना, 129 नंबर क्या कह रहा है, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना, अंशुल एक कोई है, ठीक है ना, उसने अंग्रेजी में क्या किया है ना, अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में साइंस से क्या किया है, दोगुना पाया है। साइंस जब दोगुना पाया है तो साइंस को भी अगर हम दोगुना कर देंगे तो क्या होगा, ये क्या बराबर आ जाएंगे ना, बात समझ में आ रही है।
अब देखिए क्या है, अब जब आगे हम बढ़ रहे हैं तो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 है, ठीक है ना। अंग्रेजी यानी इंग्लिश, विज्ञान और मैथ में टोटल उसके 180 प्राप्तांक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं, यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात, ठीक है ना, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, बात समझ, इंग्लिश और मैथ में, इंग्लिश और मैथ का जो अनुपात है इसका वो कितना ज्यादा, देखते हैं यहाँ पे, वो है आपका 2:3, ठीक है ना, यानी कि 2:3। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे मेरे भाई, जरा एक बात कही, सबसे पहले आप एक बात कही, मैंने तो ये सारा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व थोड़ी किया है, ये तो मैं बस आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये आप जानते हैं ये साइंस है, ये दो है, ये 25 पद मानिएगा, ये क्या यस है, ठीक है ना। अब यहाँ से जब आप अनुपात निकालेंगे इंग्लिश और साइंस का तो आएगा 2:1 का, और आपको किसका पता है, इंग्लिश और मैथ का आपको पता है, तो आपको सबसे पहले करना कुछ नहीं है, एक साथ इनका अनुपात निकाल देखिएगा, ठीक है ना, यानी कि इंग्लिश साइंस, ठीक है, और ये मैथ का, जब निकालेंगे इंग्लिश सामने इंग्लिश की वैल्यू, ठीक है, और साइंस के सामने साइंस की वैल्यू। अब देखिए क्या है, सबसे पहले एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात और आप याद रखिएगा कि जब भी जो भी क्या होता है इनमें कॉमन होता है ना, उनको हम बीच में रखते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, यानी कि पहले आप मैथ कर लीजिएगा, फिर इंग्लिश करिएगा, और फिर जाके साइंस कर लीजिएगा, ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको बीच में रखते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है यम की वैल्यू क्या है, 3 है, और ई का क्या है, 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी ई का 2 है और यस का क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे 2 आएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे 2 आएगा, और ये 2, ये 4, ये 6 हो जाएगा, बात समझ आ रही है, 2 एकम 2, 2 दुना के 4, 2 3 6, ठीक है, मैं गुणा किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है, यानी जो अनुपात आया वो 3:2:1 का आया। अगर आप इनके वैल्यूज को अगर आप अलग करेंगे, अलग करने का मतलब क्या है, मैथ का 3 आया है तो 3x कर देंगे, इंग्लिश का 2 आया तो 2x, साइंस का 1 आया तो 1x, बात समझ में आ रही है ना, जरा एक बात तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा आपका 1x, क्योंकि क्या होता है जब आप अलग अलग इसकी वैल्यू करेंगे ना, उसके साथ एक चर राशि जुड़ के आती है। अब इन्हीं तीनों का जो योग था वो कितना था, 180 था, यानी इंग्लिश का 2x प्लस साइंस का 1x और ये मैथ का कितना था आपका 3x, ठीक है, और इन्हीं का टोटल योग कितना था, 180 था, यानी 5 × 6 हो जाएगा, 6x = 180, और 6 × 3 = 18, 30 हो जाएगा, यानी जब x की वैल्यू 30 निकली, आपको पता है साइंस में कितना पाया है बंदे ने, तो साइंस में उसने x पाया है, यानी x की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 क्या होगा, साइंस में उसका प्राप्तांक होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको कंसेप्ट को पकड़ के चलना है। ये तो बस मैंने आपको ऊपर ये जो मैं काला से लिखा हूँ ना, ये सारा बस आपको क्या था, क्वेश्चन से लिखा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं 130 नंबर, ठीक है, चलिए 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है, ठीक है ना, 5 केले 4 सेब, 5 केले यानी कि बनाना, 4 सेब यानी कि एप्पल, ठीक है ना, बराबर है, इनका जो योग बराबर है किसके, तो 3 केले तथा 7 सेवों के, ठीक है, 3 केले यानी कि 3 बनाना + 7 एप्पल, ठीक है, इसके बराबर है। तो आपको पूछ क्या रहा है ना, आपसे पूछ इतना सा रहा है कि केले तथा सेव का मूल्यों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है, जरा एक बात कहिए, मूल्यों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, करना कुछ नहीं है, बी वाले को बी के साथ में लेके आइए, यानी कि 5b - 3b बराबर ये 7a यहाँ बचा, इसको उधर लेके जाइए तो 4a हो जाएगा, तो मेरे भाई जरा बताइए ये 2b हो जाएगा, और इधर घटाएंगे तो 3a हो जाएगा, यानी ये a को नीचे लेके आएंगे तो b/a यानी कि b/a लिख सकते हैं, और इसको ले जाएंगे तो 3/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, यानी बनाना और एप्पल का जो अनुपात आया मूल्यों का वो 3:2 के अनुपात में आया, ठीक है ना। तो क्या करिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं इसको हम डिलीट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर, बहुत ही आसान तरीके सारे क्वेश्चन को लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 131 नंबर देखते हैं जरा क्या कह रहा है, कह रहा है ना, हरि के पास कुछ गाय था कुछ मुर्गे हैं, ठीक है ना, यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, बहुत ही आसान और बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या है,
हरि के पास गाय और मुर्गी है, तो माना कि उसके पास मुर्गे कितने हैं, माना मुर्गों की संख्या, मुर्गों की संख्या क्या है, मुर्गों की जो संख्या है वो x है, ठीक है। और गायों की संख्या, गायों, ठीक है ना, गायों की संख्या क्या है मेरे भाई, गायों की संख्या जो है वो y है, ठीक है। अगर आप बताइए एक गाय का भी एक ही सर होगा, मुर्गे का भी एक ही सर होगा, ठीक है, तो सरों की संख्या 48 टोटल दिया है इनके, ठीक है ना, यानी कि गायों की संख्या भी, गाय के सिर की भी संख्या एक ही होगी और मुर्गे की सिर की संख्या भी एक ही होगी, यानी एक्स मुर्गे की संख्या होगी। अगर मान लीजिए मुर्गा एक्स है तो उसके सर भी तो एक ही होंगे ना, अगर चार आदमी है तो उसके कितने सर होंगे, चार ही होंगे ना, ठीक है, तो क्या होंगे, मुर्गे की जो संख्या है उसी के बराबर की उसका सर भी होगा, ठीक है, और गायों की संख्या जितनी है गाय के बराबर उसका सर होगा, और बराबर ये कितने हैं टोटल, ये 48 है, बात समझ में आ रही है, 48 है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ना, यदि उनके पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं, तो पैरों की संख्या, मुर्गा और गाय इन टोटल की पैरों की संख्या आपको 40 दिया, लेकिन आपको ये पता है कि मुर्गे के दो ही पैर होते हैं, गाय के चार पैर होते हैं, तो कैसे आके इसमें हम कहेंगे कि किसके कितने पैर हैं, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे हमें पता है मुर्गे कितने होते हैं, दो पैर होते हैं, ठीक है ना, तो 2x करिएगा, दो पैर होते हैं ना, जितना मुर्गा होगा उसका दो गुना, यानी दो पैर हो जाएगा, एक गाय का चार पैर होता है इसलिए जितनी गाय है उसका चार गुना कर लीजिएगा, पैरों की संख्या निकलेगी, और यही तो आपका 140 था। यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, दो एकम दो, दो दूना के चार, और ये 70 बार में कटेगा, यानी कि x प्लस 2y बराबर 70 हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर देखेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ से अगर, क्योंकि हमें गाय का तो मान चाहिए नहीं, गाय का चाहिए क्या, हमें तो मुर्गे का चाहिए ना, इसलिए अगर x बराबर क्या करेंगे, y को इधर लेके आएंगे, ठीक है ना, सॉरी y बराबर निकालिएगा, क्योंकि y बराबर क्या होगा, x को इधर लेके आइएगा, तो 48 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, जब 48 माइनस x होगा तो x प्लस 2, ये y की वैल्यू लाके यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो 48 माइनस x हो जाएगा बराबर 70 हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे, ये x प्लस 48 जुना की हो जाएगा 96 माइनस 2x हो जाएगा बराबर 70 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई, 70 हो गया। अगर आप घटाएंगे इसको, अगर आप इसको घटाएंगे तो 1x बचेगा, क्योंकि 1x में से 2x घटेगा, 1x माइनस बचेगा, और माइनस x को आप उधर लेके जाएंगे और 70 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 96 माइनस 70 बराबर x, या कह लेंगे यहाँ से घटेगा तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर निकल के आएगा आपका 26, और यही हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है, बात समझ में आई। क्योंकि x की ही क्या था, x ही जो था वो मुर्गों की संख्या थी, और मुर्गे हमें पता चले कितने थे, तो 26 मुर्गे हैं, ठीक है। जल्दी से क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 132 नंबर, ठीक है ना, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। चलिए 132 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ना, वो कह रहा है कि 126 प्रति केजी, 126 प्रति किलोग्राम, रुपया 135 प्रति किलोग्राम की दो प्रकार की चायों को तीसरे प्रकार की चाय के साथ एक संबंधित दो के अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है। अभी कह रहा है यदि इस प्रकार से बने मिश्रण का जो मूल्य है वो रुपया 153 प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितने रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। जरा एक बात बताइए, हमें तीन चाय हमने मिलाया है, ठीक है ना, तीन चाय हमने मिलाया है, एक का जो मूल्य है 135 रुपया, ठीक है, 135 है, सॉरी 126 है, ठीक है ना, 126 है, 126 है, ठीक है ना, 126 से पहले का, दूसरे का 135 है, तीसरे का तो हमें नहीं पता है, उसका हम मान लेते हैं 100, बात समझ आ रही है। इन्हीं को जब हमने मिलाया, इन्हीं का जब हमने मिश्रण मिलाया है, तो जो मिश्रण को हम बेच रहे हैं, यानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बच रहा है, यहाँ जो मिश्रण आ रहा है उसको हम जो प्रति किलोग्राम बेच रहे हैं वो है हमारा कितना, 153, ठीक है ना, 153 है, 153 रुपए में पूरा मिश्रण को हम बेच रहे हैं, लेकिन हमने मिलाया किस अनुपात में है, हमने मिलाया है एक संबंधे दो के अनुपात में, ठीक है। x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, जरा एक बात कहिए, जब हमने मिलाया एक संबंधे दो के अनुपात में, तो पूरा टोटल जो हुआ, ये पूरा जो टोटल हुआ वो चार हुआ। अगर हमने क्या मिला, एक किलो इसको मिला दिया, एक किलो इसको मिला दिया, दो किलो इसको मिला दिया, तो टोटल चार किलो हुआ ना, टोटल चार किलो हुआ कि नहीं हुआ। जरा एक बात बताइए कि अगर हमने एक इसको मिलाया, यानी कि 26, यानी कि एक गुणे क्या हो जाएगा, 126, ठीक है, एक हमने इसको मिला दिया है, ठीक है, प्लस क्या, यह एक किलो इसको मिलाया ना, तो कितना आ जाएगा, 135 हो जाएगा, और दो की क्वांटिटी हमने क्या किया है,
कि एक्स मिला यानी तीसरा वाला मिला है, ठीक है, यानी कि दो एक्स हो जाएगा। और यही टोटल किसमें मिलाया था, ये चार में, यही तो चार में टोटल हमने मिलाया है, यानी पूरे चार किलो में टोटल हमने इसको मिलाया। बात समझ में आ रही है ना। और देखिए क्या होगा, आगे देखिए क्या है, और इन्हीं टोटल के बराबर ये मिश्रण जो है, जब हमने मिलाया, यही जो मिश्रण आपका आ रहा है 153 आ रहा है, ठीक है ना। यही जो पूरा मिश्रण का जो मूल्य आ रहा है वो 153 आ रहा है। तो मेरे भाई जरा आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 126 और 135 डायरेक्ट जोड़ दे, क्योंकि एक से गुणा करेंगे उतना ही आएगा, आप डायरेक्ट जोड़िए, ठीक है ना। 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 261 प्लस 2x बटे में हो जाएगा 4। तो इस 4 को भी आप क्या करिए कि डायरेक्ट उधर गुणा कर दीजिए, 4 3 12 4 5 20 1 21 और 4 1 4 2 6 612 हो जाएगा। जरा इसको ले जाइए उधर, ठीक है, इसको क्या करिए उधर लेके जाइए, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 612, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 261 घटाइए जरा कितना होगा 1 हो जाएगा, और इधर क्या है आपका 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर क्या बचा आपका, इधर आपका हो जाएगा 3 351। यानी आपको पता चला कि 2x बराबर 351 है, यानी कि तब 2 बराबर क्या होगा, 2 से कटाइए तो 2 1 2 2 7 14 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 5 10 यानी कि x बराबर 175.5 क्या यार रुपया प्रति केजी का है, ठीक है ना। यानी जो तीसरी वाली चाय थी वो 175.5 के रुपया का 1 किलो था, ठीक है ना, और ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आसानी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 133 नंबर, ठीक है, यानी क्या है आपका 133 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेच बनाते हैं तो ये बताइए कि जो पहला व्यक्ति वो कितना पेच बनाएगा प्रतिदिन, ठीक है ना। जरा एक बात बताइए, कह रहा है ना कि एक व्यक्ति द्वारा, जो एक व्यक्ति है आपका, जो पहला व्यक्ति यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है आपका, वो जो है उसका क्या है, वो 33 सही, ठीक है ना, आप जरा बात करिए, उसका जो है 33, उसका जो है 33 सही क्या है 1/3, ठीक है ना, 33 सही 1/3% का उत्पादन करता है। बात समझ आ रही है ना, उत्पादन करता है। अब दूसरा व्यक्ति जो है ना, वही दूसरा, उसके जगह जो दूसरा व्यक्ति है उस दिन क्या करे, वो अपना यानी कि जो सेकेंड पर्सन है वो 50% उत्पादन करता है प्रतिदिन। बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो आप अब लिख सकते हैं कि 33 सही 1/3% को आप कुछ ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, 33 3 99 99 100 हो जाएगा, 100/3, और ये परसेंटेज को 100 लिख सकते हैं ना, यानी ये कट जाएगा, ठीक है, बराबर ये जो सेकंड पर्सन है इसको लिख सकते हैं 50 50/100, ठीक है, 50 और ये परसेंटेज को आप 100 लिख सकते हैं, तो 50 × 100 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि पहला पर्सन और दूसरे पर्सन का जो आपका अनुपात आएगा वो आएगा 3:2। बात समझ में आ रही है ना, 3:2 का अनुपात आया। लेकिन इसमें भी अगर क्या कह रहा है ना, अगर आप अलग अलग इनको करेंगे ना, तो जो फर्स्ट पर्सन का हो जाएगा वो 3x हो जाएगा, और सेकंड पर्सन का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जरा एक बात कहिए, कह रहा कि ये जो दूसरा आदमी है ना, ये प्रतिदिन क्या कर रहा है कि 1500 पेंच बना रहा है प्रतिदिन, यानी ये प्रतिदिन का ही रफ निकला इन लोगों का, जो प्रतिदिन वो 1500 पेंच बना रहा है तो कटेगा तो 750 आएगा, यानी x की वैल्यू 750 जब निकल गई, आपको पता चल जाएगा कि पहला जो है प्रतिदिन कितना बना रहा है, तो पहला प्रतिदिन 3x बना रहा है, x की वैल्यू 7500 है, यानी कि ये हो जाएगा 7500 × 3 और ये क्या हो जाएगा टोटल 2250, ठीक है ना, आप क्या हो जाएगा 2250 हो जाएगा, यानी 0 3 5 15 21 21 22 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल आंसर इसका। बात समझ आई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं जल्दी से अगला, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 134 नंबर है ना, कह रहा है एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात जो है वो कितना है, वो 3:5 का है, स्त्री यानी कि वुमेन और मैन का जो अनुपात है वो 3:5 का है, ठीक है। चलिए, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो, ठीक है ना, 40 कम हो, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से,
यानी कि जो पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या से अगर स्त्रियों की संख्या क्या है, कितनी कम है, तो 40 कम है, तो इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि कम अधिक अधिकतम न्यूनतम ये सब क्या करते हैं ना, उनके अंतर को दर्शाते हैं, उनके बीच के अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अगर 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, यानी कि टोटल आपसे पूछ रहा है कितने कर्मचारी हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, मैन प्लस वुमेन, ये तो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, आपको वुमेन और मैन जब अलग करेंगे, ये आ जाएगा 3x और इसका आ जाएगा आपको 5x। ठीक है, आया कि नहीं आया। अब जब आप इसको हल करेंगे तो क्या है ना, ये जो 5x है, यानी कि मैन वाला 5x और ये 3x बराबर है 40। मैंने इसमें रखा है मान, मैन का इसमें और इसका इसमें। ठीक है, क्योंकि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से 40 कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर 40 या 2 से कट जाएगा 20 बार में, x बराबर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या कि कुल कितने कर्मचारी थे, तो कुल थे आपके 5। ठीक है, 5x प्लस 3x कुल थे, तो बराबर 5 और x का मान 20। ठीक है, और प्लस 3 गुणे x का मान 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा कितना, 60 बराबर 160। बस आपका आंसर आ गया 160। ठीक है, हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, अगला है कौन सा आपका, तो अगला क्वेश्चन से 135 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं, यहाँ पे 135 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 40% है। ठीक है, तो कह रहा है ना, तो बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। देखिए जरा यहाँ पे दो संख्याओं का जो अंतर है, यानी कि x माइनस वाई का जो अंतर है, वो उनके योगफल का 40% के बराबर है। ठीक है, 40% है, यही पूछ रहा ना आपसे। जरा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का क्या है, 45% है। योगफल का क्या है, 45% है, मैंने 40 लिख दिया। ठीक है ना, थोड़ा 45 कर लीजिएगा इसको। अब देखिए क्या है, अब जब आप यहाँ पे जो कटाएंगे ना, तो ये कट जाएगा आपका 5 से 5 9 45 और 20 25 100। ठीक है, इस 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 9 से ऊपर वाले में हो जाएगा, 20 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 20x माइनस 20y और बराबर जब 9 से ऊपर करेंगे तो 9x प्लस 9y हो जाएगा। ठीक है, x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x जब इधर आएगा तो हो जाएगा 11x, क्यों हो जाएगा 11x, 20x था, 1x 9x आएगा तो माइनस 9x आएगा ना, घटेगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 29y, y को नीचे लेके आइए, इसको उधर लेके जाइए, यानी कि x संबंधे y बराबर क्या हो गया, ये 29 संबंधे 11 हो जाएगा और यही मेरे भाई आपका आंसर होगा। ठीक है, बस यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जल्दी से देखते हैं अगला 136 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जरा 136 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ पे फाइंड करिए, 136 क्या कह रहा है, जब हम देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो छात्रों की आयु का अनुपात जो है वो 3:2 है, इनमें से एक छात्र दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु कितनी होगी। दो छात्र हैं और उनकी आयु का अनुपात जो है वो है 3:2 और कह रहा है ना, एक जो छात्र है वो 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि क्या होगा कि चूंकि हमें पता है कि अगर आप अलग अलग करेंगे 3x हो जाएगा, ये 2x होगा, 3x बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है। ठीक है, तो बड़ा और छोटा का मंतर ये हुआ कि इनके अंतर दिखा रहा है वो 5 वर्ष, 5 वर्ष बड़ा है तो उसका अंतर 5 वर्ष का आएगा ना, 5 वर्ष बड़ा हो गया। अभी क्या होगा, ये x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5 निकला तो पूछा है कि छोटे छात्र की आयु कितनी थी, छोटा वाला छात्र यही है ना, रखिए ना जरा, तो सेकेंड वाले जो छात्र की आयु थी 2x या 2 × 5 बराबर 10 वर्ष। ठीक है ना, 10 वर्ष थी किसकी, छोटे वाले छात्र की आयु। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, देख लेंगे 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आशा करते हैं कि इसके बाद एक और वीडियो बनाऊं और उसमें क्या होगा आपका, ये सारा का सारा हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा टॉपिक। अब देखिए क्या है, कह रहा है 137 नंबर, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है वो कितना है आपका, तो वो है मेरे भाई आपका 2028, यानी कि 2028 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। जरा एक बात बताइए, आपको मैंने पीछे भी बता रखा है, दो संख्याएं हैं, फर्स्ट संख्या और सेकेंड वाली संख्या। ठीक है, इनका अनुपात जो आपको दिया गया है कितना है, तो 3:4 का है। ठीक है, 3:4 का है,
और कह रहा है ना कि जो क्या है मस, यानी कि जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, एलसीएम और एचसीएफ होता है, एचसीएफ इसका जो अनुपात है वो है सॉरी इसका जो गुणनफल है वो 20:28 है, ठीक है ना, 20:28। बात समझ में आ रही है, यही दिया ना 20:28। चलिए आपको एक चीज मैंने बता रखा है और आपका योगफल पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं का ही जो आपका क्या कर रहा है ना वो योगफल पूछ रहा है, ठीक है ना, योगफल पूछ रहा है। जाए मेरे भाई एक बात बताइए, इसको अगर आप अलग अलग करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या जो हो जाएगी 3x हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी। बात समझ आ रही है, और मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है ना, HCF। जब मैंने आपको LCM HCF पढ़ाया था ये वाला चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, अगर आपने नहीं देखा है जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या ये फार्मूला से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले एलसीएम एचसीएम का गुणा होगा पहला दूसरे संख्या का, यानी कि 3x गुणे 4x बराबर एलसीएम और एचसीएफ का पूरे का गुणनफल आपको इसमें दे रखा है 20:28, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पे आराम आराम से कटाइएगा, एक एक करके आराम से कट जाएगा, जब कटाएंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28। कटेगा नहीं, कट गया, 3 से जरा कटाइएगा तो शायद 3 से भी कट जाएगा, 3 × 7 = 12, 3 से कटेगा, देखिए 3 से कटेगा, 16 × 3 = 48 और 3 × 9 = 27, ठीक है, कितना बार में, 169 बार में, और ये एक से एक मिलकर 1 से स्क्वायर हो जाएगा, और ये 169 जो है ना वो 13 का स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म हो गया, x बराबर 13 हो गया, और आपको चाहिए क्या, योगफल चाहिए। जब योगफल चाहिए तो पहले संख्या यानी कि 3x, ठीक है, प्लस 4x, यही है ना योगफल, आपको पता है 3x, 3 गुणे x की वैल्यू क्या है 13 है, प्लस 4x, x की वैल्यू कितनी है 13 है, आपको पता है 13 × 3 = 39, ठीक है, प्लस 13 × 4 = 52, ठीक है, बराबर 9 × 2 = 11 हो जाएगा, 8 × 1 = 9 हो जाएगा, यानी कि 91 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 91 जो होगा आपका टोटल आंसर होगा। जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है ना, चलिए चलिए देखते हैं जल्दी से। 133 हो गया आपका, आप देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि जल्दी से आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 138 है, ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, जरा देखिए, कह रहा है ना यदि a बराबर b का 4/5 और b बराबर c का 5/2 हो तो a और c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। देखिए जरा, a बराबर b का 4/5, ठीक है, c बराबर b का, ठीक है, सॉरी बी बराबर सी का है ना, बी बराबर सी का 5/2, ठीक है, बी बराबर सी का 5/2, ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है मेरे भाई ए और सी का अनुपात, तो आप जानते हैं कि ए ए और बी को नीचे ले जाएंगे, ए संबंध है बी बराबर हो जाएगा 4/5, ठीक है, ये सारा चीज मैं बताते आ रहा हूँ, इसको नीचे लेके आएंगे तो 20 संबंध है सी बराबर हो जाएगा 5/2, 5 संबंध है 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a संबंध है b संबंध है c निकालेंगे तो हो क्या जाएगा, a के सामने a की वैल्यू, b के सामने b के सामने b की और c के सामने c की, ठीक है ना। और एक बात और याद रखिएगा, जो इसमें कॉमन होता है ना, जो इसमें b कॉमन होता है, तो अगर कॉमन का वैल्यू अगर दोनों जगह बराबर आ रही है ना तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, आप डायरेक्ट लिख देंगे, ये चीज भी आप जान लीजिए, अगर कॉमन की वैल्यू, जो चीज हम बीच में कॉमन रखते हैं उसकी वैल्यू अगर बराबर आ रही है तो आपको a संबंधे b संबंधे c डायरेक्ट लिख देना, क्या a की मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और b का मान यहाँ पे 5, ठीक है, और c का मान यहाँ पे 2, ठीक है, हमें a और b का, a और c का मान चाहिए था, हमें यही चाहिए था। देखिए कैसे निकल जाएगा, ए संबंधे जो सी होगा वो कितना हो जाएगा, 4/2, 4/2 यानी कि कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 यानी कि 2/1 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है ना, जिससे कि जो भी छात्र जो है आर एस अग्रवाल कहीं कोचिंग में जाके पैसा देते हैं, ठीक है, पैसे देके पढ़ते हैं और वो असमर्थ है जाने में, ठीक है ना, तो उनको क्या है, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको क्या है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्व यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।